मोदी सरकार ने वोट बैंक पे जो एक वीटो था, जहां पे राजनीतिक पार्टी वोट करने से पहले किसी भी चीज पे डिसीजन लेने से पहले ये सोचती थी कि मुस्लिम समाज वोट कैसे करेगा, और उसके बाद ना सिर्फ भारत की पॉलिसी बनाती थी पर विदेश पॉलिसी भी उसके हिसाब से चलती थी, और इस वीटो से राष्ट्रहित का कितना नुकसान होता था, ये बात जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ की। पर इससे पहले पीएम मोदी ने जो फॉरेन पॉलिसी चेंज करी इस वीटो को हटा के, और ये किसी को पता नहीं कि मुस्लिम समाज नाराज होता भी नहीं होता, पर उस समाज के जो ठेकेदार थे वो नाराज होते थे, और वो ठेकेदार नाराज ना हो जाए, सेल्फ प्रोक्लेम ठेकेदार, ऐसे भी नहीं है कि समाज ने डिसाइड कर दिया ये ठेकेदार है, पर जिनका एक्सेस था लीडरशिप से भारत की, और वो लीडरशिप जो कांग्रेस द्वारा लेड थी, उसके हिसाब से डिसीजंस होते थे भारत के अंदर, नहीं भारत की विदेश नीति, भारत को डिफेंस में कहां फायदा है, भारत को रिसर्च डेवलपमेंट में कहां फायदा है, इसका फैसला भारत के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स पे होता था, और वो चेंज हुआ है। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने दो तीन स्टेप्स किए हैं वो भी डिस्कस करता हूं। पहले आप जयशंकर जी के खुद के शब्द सुन लीजिए इसराइल को लेके, जो भारत का नेचुरल फ्रेंड है। आप जानते हैं कि कुछ कारणों के लिए हमने जो है अपने इसराइल के साथ जो भी रिश्ते जो हम आगे बढ़ा सकते थे हमने नहीं बढ़ाए, हमने अपने आप को रोक लिया था। तो पहली बार इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री जो इसराइल गए वो नरेंद्र मोदी थे। हमें सोचना चाहिए कि क्योंकि पूरी देश जानती है कि हमें उस कोऑपरेशन में हमें बहुत फायदा है, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने आप को रोक रखा था राजनीतिक कारण के। तो अभी एक बार आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से आप निकल आए तो फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ता है, और ये इसराइल ये उदाहरण कि ये नेशनल इंटरेस्ट में था और हमने नेशनल इंटरेस्ट को डाउन किया, वोट बैंक पॉलिटिक्स को अप किया, और वो जमाना क्या। आप में से जो जो पहली बार ही जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं दो तीन बातें अहम करूंगा। इजराइल एक नेचुरल फ्रेंड है भारत का। जब जूस के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड अत्याचार हो रहे थे भारत में कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, इनफैक्ट भारत ने प्रोटेक्शन दिया। और ये सिर्फ मैं जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ 1930s की, मैं उससे 100, 200, 300, 500 साल पहले का भी इतिहास बता रहा हूँ। नेचुरलाइज हैं, नेचुरल फ्रेंड्स हैं। इजराइल एक शक्तिशाली देश है, डिफेंस में अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में वो फ्लरिश कर रहा है। कितना डिफिकल्ट उसकी ज्योग्राफी है, कितना उसको खतरा है, कितने कम रिसोर्सेज हैं टेक्निकली इजराइल के पास, पर कितना शक्तिशाली है। इंटेलिजेंस गैदरिंग में उसका कोई जवाब नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी में उसका कोई जवाब नहीं है, भारत का नेचुरल अलाय है, पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर बता रहे हैं, और वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, हाईएस्ट आईएफएस ऑफिसर की जो पोस्ट हो सकती है, जिनको सब डिटेल्ड पता है, वो कहते हैं किस तरह हम वो दोस्ती नहीं बढ़ा रहे थे, हम अपने आप को रोक रहे थे। बहुत उनका स्टाइल है, बहुत पोलाइट लैंग्वेज में बोलते हैं पर बात सारी कर देते हैं। आपको पता है इसराइल जैसे शक्तिशाली देश से 70 साल कोई प्राइम मिनिस्टर मिलने नहीं गया, उस देश में लैंड नहीं किया, ये सोच के, ये डर से कि भैया देश में वोट बैंक किस तरह रिएक्ट करेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, वो रिएक्ट करे ना करे इसका कोई गारंटी नहीं है। आम एक देश का मुस्लिम भी अपने रोजगार, अपने व्यापार और अपने देश के प्रति सोचता है, पर इन्होंने क्यों उस वोट बैंक वीटो को इतना बड़ा बना दिया कि कुछ ठेकेदार बोलेंगे कि आप इसराइल क्यों चले गए। इसके लिए आप 70 साल इसराइल ही नहीं गए, 2017 में पहली बारी प्रधानमंत्री मोदी इसराइल जाते हैं, 3 दिन की हिस्टोरिक विजिट होती है। आपको पता है एक अनप्रेसिडेंटेड ऑनर होता है कि
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पे जो उस समय थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो रिसीव करने आते हैं। सोचिए कितनी ऑनर देते हैं, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड ऑनर, एंड वो दे रहे हैं। और वहां पे 7 एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, पर 2 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो मैं आपको बता देता हूँ। एक इंडियो इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और कुछ वाटर को लेके। आपको पता है इसराइल इज वर्ल्ड लीडर इन मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उनकी सिचुएशन में ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, वर्ल्ड लीडर है। हमारे यहाँ पे इतने पार्ट्स हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, साउथ में, बहुत जगहों पे हमें ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज हैं, इरिगेशन वाटर के इश्यूज हैं। ये बेसिक एग्रीमेंट्स तब होते हैं जब दोनों दोस्तों में दोस्ती होती है। और ये मोदी सरकार ने किसी भी देश से खराब करके नहीं की है, सऊदी अरेबिया से भी अच्छी रखी हुई है, दुबई से भी अच्छी रखी हुई है। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट जहां पे है वहां पे करेंगे। भारत के अंदर वोट बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग तरह के देश हैं, सबसे दोस्ती रखेंगे। यूएस के साथ भी रख रहे हैं, रशिया से तेल भी ले रहे हैं। अब सोचिए 1% से कम आता था अप्रैल में, इतना प्रेशर दिया यूरोप ने कि तेल मत लीजिए, तेल मत लीजिए। जयशंकर जी की वो क्लिप भी मैंने दिखाई थी आपको, वायरल थी, जिसमें वो कहते हैं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी जो चाहती है हम लेंगे। यूरोप का भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप गैस देते रहते हैं, वो पैसा नहीं जाता रशिया को, और हम तो लेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी ईरान से भी लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है रशिया से भी लेते हैं। तो रशिया से भी बनाते हैं, यूएस से भी बना के रखते हैं, इसराइल से भी बना के रखते हैं, सऊदी अरेबिया से भी बना के रखते हैं, जो राष्ट्र के हित में है वो करते हैं। पर सोचिए कितनी भयंकर परिस्थिति थी कि राष्ट्र हित की जगह हम ये सोच रहे थे कि पोटेंशियली कोई वोट बैंक कैसे रिएक्ट कर देगा, और इसके लिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को उठा के इतने निचले स्तर पे ले गए थे कि हम सत्ता में बने रहें, कि हमने अपना कितना नुकसान किया वो आज कैलकुलेट कर पाना मुश्किल हो रहा है। एनीवेज कुछ डिटेल्स इसकी मैंने इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स की डिटेल्स हैं आपको देखनी चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर लेना। एक वीडियो डाली है मैंने, वो भी थोड़ी जरूरी है, देख लेना, जनरल बात है पर वो जरूरी है, जरूर देखिएगा आप वो वीडियो भी जाके इंस्टाग्राम के ऊपर। और शाम को फिर दोबारा बात करते हैं। जय श्री राम।